ब्राह्मण पर तो गैर सनातनी है और कहीं ना कहीं हमारे MLA साहब सनातनी है। मैं नहीं, मुझसे पहले भी काफी दिग्गज इस बात पर अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ज्ञान जी के समर्थक हैं या BJP के खिलाफ जा रहे हैं उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे। हाँ सर, बहुत से अभी तो आरोप प्रत्यारोप कई लगेंगे क्योंकि अब जो बदलाव होने जा रहा है वो 20 साल बाद होने जा रहा है और एक इतना अच्छा जनता को विकल्प मिला है तो सर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपकी नाराजगी क्या है? हमारी नाराजगी ये गैर सनातनी बार बार में हमारे धर्म के ऊपर एक लांछन गैर सनातनी, आज एक ब्राह्मण पर तो गैर सनातनी है और कहीं ना कहीं हमारे MLA साहब सनातनी है। मैं नहीं, मुझसे पहले भी काफी दिग्गज इस बात पर अपना इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए नाम बता दीजिए। टीना मोयल, जय जनता की। 59 से है, ऐसी क्या पीड़ा रही जो आप लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं? लगातार आरोप चल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, के ये सनातनी नहीं है, गैर सनातनी है, ये है, मतलब बहुत सी बातें चल रही थी जो बताने योग्य नहीं है। उनके पर्सनल ग्रुप में भी चल रही थी जो कि हमें लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई। तो हमारा सिर्फ इतना सा ये है कि ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। हम भी हिंदू हैं और जो खड़े हुए हमारे भाई साहब वो भी ब्राह्मण समाज थे, तो वो तो मतलब वो हिंदू के पूजा पाठ करवाते, वो तो खुद इतने बड़े हिंदू है, लेकिन उन पर ऐसे आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए हम नाराज है और आज अपना इस्तीफा देने आए हैं। नाम बता दीजिए। रोहित देवड़ा। नाराजगी है या उनकी कार्यप्रणाली? भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। अगले साल जो 6 महीने बाद चुनाव है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ही है हमारे को, तो हमें उसका काम करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। तो हम बिल्कुल उसमें लगेंगे, दिलो जान से लगेंगे जैसा आज तक करते आए हैं। ये बस ज़रा सी सनातनी और गैर सनातनी वाली बात को से हमको सबको धक्का पहुँचा है, क्योंकि भाजपा का हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी अन्य को वोट देने उसका सनातन खतरे में आ जाए, मेरा मतलब कहने का ये है। तो बस इसी चीज़ से हमारे हादसा को ठेस पहुँची है। नाम बताइए आपका। कमल खत्री। इसीलिए ही हमारी, क्योंकि हमारी आस्था ज्ञान जी भाई साहब में, तो हम पार्टी के कुछ ऐसा पार्टी हमारे पे कार्यवाही करे क्योंकि हम ज्ञान जी के साथ लगे हुए हैं, उससे पहले ही हमने इस्तीफा दे दिया है कि पार्टी कोई कार्यवाही करेगी उससे पहले हम इस्तीफा दे देंगे क्योंकि हम ज्ञान जी के साथ हैं, हमारी आस्था ज्ञान जी के साथ है और हमारे जो बूथ पे जो भी लोग हैं हम ज्ञान जी के लिए सबको कन्विंस करेंगे वोट के लिए, इसीलिए हम पार्टी से पहले इस्तीफा दे रहे हैं ताकि कोई पार्टी हमारे पे ये लालछन नहीं लगाए, आरोप नहीं लगाए। बस आपका नाम बता दीजिए। मेरा दिनेश कटाना, बूथ अध्यक्ष 71 नंबर। आज आप इस्तीफा देने आए, कितने कार्यकर्ता और कितने बूथ अधिकारी हैं जो? हम सब बूथ और मंडल मिला के 20 कार्यकर्ता यहाँ पे इस्तीफा देने आए रमेश सोनी जी को, और हम बिल्कुल उनके जो उनके प्रत्यारोप हो रहे हैं उनसे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। ज्ञान जी एक बहुत अच्छी छवि के नेता हैं, ईमानदार है, कर्मठ कार्यकर्ता है, और हम सब कार्यकर्ता का काम भी वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कहीं भी वार्ड में कोई परेशानी आती है, कुछ भी आती है, तो वो हाथों फ़ोन पे उनको कहीं आने की ज़रूरत ही नहीं, आम पब्लिक को नगर निगम के काम हो चाहे कैसे भी काम हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी आप देख रहे हो रोड की हालत, पानी की हालत, वो सबके सामने है, और उनका एक इलाज उन्होंने काफ़ी बताया कि हर डिपार्टमेंट को एकीकरण होकर रोड का काम करना है। बार बार कोई सीवरेज वाला तोड़ रहा है, कभी कुछ तोड़ रहा है, तो उससे दुकानों का, व्यापार का, सब चीज़ों का नुकसान हो रहा है। और मेन चीज़ तो ये सनातनी जो बोल रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, जबकि ज्ञान जी सबसे बड़े मतलब कार सेवक हैं और गायों की सेवा गौ रक्षक हैं, तो वो ज्ञान जी के लिए इस तरह से बोलना, हम उसके विरोध में यहाँ पे हमारा इस्तीफा प्रदान करना है। गौरव शर्मा, बूथ अध्यक्ष, वार्ड नंबर 1।